मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हरियाणा का बजट कुछ दिन पहले विधानसभा में घोषित किया गया था। उसी बजट को लेकर भाजपा पूरे प्रदेश में प्रदेश बजट संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में कैथल की अग्रसेन धर्मशाला में इसी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बजट पर बातचीत की गई, जिसमें पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के संयोजक कैथल के वरिष्ठ नेता भाजपा नेता सुरेश गर्ग नौच रहे और मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे थे। यहां पहुंचे तो उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया था और बताया कि अब की बार बजट में क्या कुछ विशेष है। बजट की वो तमाम बातें जनता के सामने रखी जिन बातों को मुख्य रूप से बजट में शामिल किया गया है, और उन्होंने कहा कि बजट के बाद अभी कुछ समय इसलिए दिया गया है ताकि लोग विचार विमर्श करें। यानी कि मुख्यमंत्री ने अब की बार ये पहल की है कि तमाम नेताओं को कहा है कि आपको कुछ लगता है तो इसमें वो भी अमेंडमेंट हो सकता है, और इसी बारे में पत्रकार वार्ता में और क्या कुछ कहा आइए दिखाते हैं, और संगोष्ठी में बजट को लेकर क्या कुछ विशेष रहा तमाम जानकारियां देखिए इस प्रेस वार्ता में। सरकारों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज की ये पत्रकार वार्ता विशेष तौर से बजट के लिए है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया ये उनका चौथा बजट है, और अभी तक जितने भी बजट वित्त मंत्री के तौर पर उन्हें प्रस्तुत किए तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन क्या है कि जब पहला बजट उन्होंने प्रस्तुत किया तो सभी विधायकों को आमंत्रित किया, उनके सुझाव लिए। कुछ लोगों ने इस प्रकार की बातें भी कही कि केवल ये तो आईवास है, लेकिन उन्होंने जब बजट भाषण पढ़ा तो उसमें उन्हें विधायकों के नाम लेके बताया कि भाई ये सुझाव आपका था। इसी के साथ चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, चाहे व्यापारी थे, उनके साथ ही बातचीत की, चाहे किसानों के प्रतिनिधि थे उनके साथ ही बातचीत की, अन्य सभी वर्गों के साथ उन्होंने बातचीत की। और अब की बार भी जब सेशन चल रहा था, आपके ध्यान होगा सेशन में भी माननीय मुख्यमंत्री ने बात कही थी कि बजट प्रस्तुत करने के बाद ये संभव नहीं होता कि उसमें परिवर्तन कर दें, इतना बड़ा परिवर्तन कर दें, क्योंकि आप सभी विधायकों के उसमें सुझाव होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले सुझाव दें, और उन्होंने वो भी सारे किए। और अभी आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा परिवर्तन अब की बार ये भी है कि बजट प्रस्तुत करने के बाद इतनी लंबी छुट्टी दी गई। आज तक कभी ऐसा नहीं होता कि बजट प्रस्तुत करने के बाद आमतौर पर क्या होता था, अगले दिन ही बहस शुरू हो जाती थी, लेकिन अब की बार इतना बड़ा गैप दिया गया। और उसके बाद क्या किया, कमेटियां बनाई गई और वो कमेटियां उसका अध्ययन करेंगी, अलग अलग उस पर हर कमेटी अध्ययन कर रही है, और उनको ये छूट दी गई कि वो अगर अपना सुझाव देंगी तो हम देखेंगे कि सुझाव उसमें वो है तो जिस डिपार्टमेंट को दिया है उसी का ही पैसा रहेगा, लेकिन अगर वो बदलना चाहते हैं कि इस मत की बजाय ये मत जरूरी था तो उसमें परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार की उदारता जिस प्रकार से दिखाई गई, उदारता तो कहीं नहीं कह सकता मैं इसको, तो मैं ये कहूँगा कि विकास के लिए प्रयास। मतलब विकास का मतलब ये नहीं है केवल जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वही, उसमें विपक्ष का भी सहयोग और चुने प्रतिनिधियों के अलावा भी जो समाज के लोग हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, उनका भी सहयोग है। तो मेरा मानना है कि ये जो बजट है ये विकासशील बजट है, और जो टारगेट माने प्रधानमंत्री जी ने दिया 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना, तो जिस प्रकार से केंद्र का बजट आया उसी प्रकार से ये बजट भी है। ये बजट निश्चित तौर से जो ग्रामीण विकास है उसको गति देगा, जो कृषि है उसको गति देगा, और जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए, और जो रोजगार है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये बजट जो है हमारा निश्चित तौर से काम करेगा। और जो हमारा टारगेट रखा गया विकास दर वो 7.1 रखी गई है, और मेरा मानना है कि 7.1 बहुत अच्छी विकास दर है, चाइना की 4 से भी कम है। तो ऐसे में हम निश्चित तौर से जो देश की विकास दर है उससे ज़्यादा हम निश्चित तौर से करके देंगे। और उसी के साथ जैसे जो गरीब आदमी है उसके लिए एक योजना रखी गई, हालांकि योजना हम पहले शुरू कर रखी, लेकिन अब की बार 2,00,000 लोगों के लिए इस प्रकार का एक प्रदान किया कि जिन लोगों की आमदन 1,00,000 से कम है ऐसे 2,00,000 लोगों को हम की मदद करेंगे, उनको लोन देंगे, वो अपना कोई काम शुरू करें, और वो 1,80,000 से बाहर निकले, 1,80,000 से उनकी आमदन ज़्यादा बढ़नी चाहिए। ऐसे ही गरीब आदमी के लिए जो हमारे सफाई कर्मचारी थे उनको इंश्योरेंस देने का जिस प्रकार से किया, ऐसे ही जो एजुसेट चौकीदार हैं, मुझे नहीं पता आपको कितने लोगों को बता कि हमारी सरकार से पहले एजुसेट चौकीदार की तनख्वाह 1,000 रुपये थी, सिर्फ 1,000 रुपये, अब हमने साथ की और अब हमने कहा कि हम इसको कौशल विकास के अंतर्गत लेके जाएंगे, उसमें 14,000 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार से मकान बनाने के लिए हमने
गरीब आदमी के 1 लाख का टारगेट रखा कि 1 लाख लोगों को मकान बना के देंगे। जो हमने चिरायु योजना चलाई, जो अपना आयुष्मान है, तो हमारे हरियाणा में चिरायु के चलाई, तो उसमें हम 1,80,000 से जो कम थे तो उसको हम मदद देते थे कि उसका उसको उसका लाभ दे रहे थे। लेकिन अब हमने 3 लाख तक की जिसकी आमदन है उसको भी कहा कि वो 1,500 रुपये दे के अपना इंश्योरेंस करा सकता है, उसको भी वही सारा का सारा सारे के सारे लाभ मिलेंगे। इसी प्रकार से पेंशन जो थी, जो 2,500 रुपये थी, उसको बढ़ाया गया, हमने 2,750 किया। निश्चित तौर से बुजुर्गों को उसका लाभ मिलेगा। और उसमें दूसरा एक परिवर्तन हमने और भी किया कि पीछे काफ़ी एक विषय उठा था कि हमने 2 लाख की आमदन है कि उससे ज़्यादा जिसकी आमदन है उसकी पेंशन बंद करने की बात आई थी, तो कुछ लोगों ने उसका कहा कि जिनकी 2 लाख से ज़्यादा हो, वो 2 लाख केवल उनके लिए थी जो पति पत्नी पेंशन लेने वाले थे। अगर उनकी व्यक्तिगत आमदन 2 लाख है तो अब वो बढ़ा के 3 लाख कर दी कि अगर 3 लाख तक की उनकी आमदन है तो उनको उसके बावजूद भी पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार से जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी हमने एक विशेष ध्यान दिया, खासकर गरीब लोगों के बच्चे ज़्यादा सरकारी स्कूल में हैं, तो उसके लिए हमने 6 ऐसे पॉइंट किए निश्चित के ये अगर किसी स्कूल में नहीं है तो निश्चित तौर से हम सारे निर्णय करेंगे। अभी भी हम काम कर रहे हैं, 27 ब्लॉक में इस टाइम पर हमारा काम चल रहा कि अगर कहीं ड्यूल टैक्स नहीं है तो ड्यूल टैक्स देंगे, अगर स्कूल का रास्ता नहीं है तो स्कूल का रास्ता, चारद्वारी नहीं है तो चारद्वारी, अगर शौचालय वगैरह ठीक नहीं है शौचालय, पीने का पानी की व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए, ब्यूटिफिकेशन ठीक होनी चाहिए, स्कूल का ग्राउंड ठीक होना चाहिए, उसका लेवल ठीक होना चाहिए, तो उसके लिए हमने सारे के लिए एक योजना बना के दी। कौशल विकास जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें विशेष ध्यान उस पर दिया गया है, तो उसका भी हमने 6ठी से 8ठी तक के लिए विशेष ध्यान दिया और हमने उसको शुरू भी कर दिया। और उसमें 40 स्कूल हमारे ऐसे भी हैं जिसमें हमने सीधा जो इंडस्ट्री है उसके साथ संपर्क किया और उससे कहा गया आपको किस तरीके के क्वालिफाइड लोग चाहिए, आपको किस प्रकार की जरूरत है, तो उस पर मैंने दिया और उस हमने शुरुआत भी उसकी कर दी। तो ऐसे ऐसे ही हमने कॉलेज के जो स्टूडेंट उनकी कोचिंग के लिए भी हमने जिन लोगों की आमदन 3 लाख से कम है तो ऐसे 1,000 छात्रों को कोचिंग जो हम हैं निःशुल्क कोचिंग देंगे, उसमें किसी को कुछ देना। ऐसे ही जो हमने एक दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की हमने शुरुआत की है, अगर ऐसा व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है कोई किसी कारण से छोटा बच्चा है उसकी अगर डेथ होती है या वो अपंग हो जाता है तो ऐसे 6 साल के बच्चे के लिए हम 1 लाख रुपए और 6 से 18 के लिए 2 लाख रुपए, 18 से 25 के लिए 3 लाख रुपए, 25 से 40 के लिए 5 लाख रुपए और 40 से 60 के लिए 2 लाख रुपए देने की हमने इसमें व्यवस्था की है। ऐसे ही रोजगार के मामले में लगा लो यार, नौकरियों के बारे में बार बार बात उठती है, तो सी और डी ग्रुप की हम 65,000 भर्तियों का हमने इसमें प्रावधान रखा कि हम इसमें करेंगे। स्कूलों में भी इसी प्रकार से, जहाँ हमने पहले भी जो संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हमारा टारगेट पिछली बार भी हमने दिया था कि 500 स्कूल हम और करेंगे, तो ऐसी एक योजना और है पीएम श्री योजना, उसमें हर ब्लॉक में 2 स्कूल यानी कि पूरे प्रदेश में हम 286 स्कूल खोल रहे। एक जो नई शिक्षा नीति, वैसे नई शिक्षा नीति तो नहीं आया है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन उसको कई बार उसके संबंधित उपयोग कर लें, तो उसमें 4,000 प्ले स्कूल हमने पहले 4,000 प्ले स्कूल का हमने टारगेट रखा कि अब की बार हम और खोलने का काम करेंगे। ऐसे ही 2023, ये तो मैंने बोल दिया एक साथ, एक 2022-23 की हमारी जो GDP है उसकी विकास दर जो है हमने 7.1 का टारगेट रखा। तो ऐसे ही हमने घरेलू उत्पादन में हिस्सेदारी 2014 में जहां हमारी जो पूरे देश की है उसमें हम 3.52 थे, इसमें अब की बार हमारा अनुमान है कि हम 3.86 तक जाएंगे, तो हम धीरे धीरे उसके और बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से आमदन की बात है, 2014 में जहां प्रति व्यक्ति जो आमदन थी वो 1,87,382 थी, इस बजट के बाद हमारा अनुमान है कि 2,96,685 प्रति व्यक्ति आमदन में हम पहुंचेंगे। जो राजकोषीय घाटा है जिसके बारे में कई बार बात करते हैं, तो वो जो हमारा है 2022-23 में जो हमारा है वो 3.29 है, जबकि 3.5 तक हो सकता है, यानी कि हम उससे कम हैं। हम आगे तक भी लोन ले सकते हैं लेकिन हमने उसका लिया नहीं है, और जैसे लोन का जो हमारा बजट है हम उसका 33% तक कर्ज ले सकते हैं, लेकिन हमने 25.1 है इस प्रकार से हमने कर्ज भी उसमें 25.45 है जो हमने लिया, हमने पूरा कर्ज नहीं लिया जितने की हमारे पास ऑप्शन भी थी। अब इस बात में कई बार हमारे सामने ये रखा जाता है कि हमने कर्ज ले लिया, कई कांग्रेसी आपको कहते हैं भी कर्ज ले लिया और घी पी लिया, ये इस प्रकार की है। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार कांग्रेस की जब सरकार थी, जो उस टाइम कर्ज था
वो कर्ज लगभग 1 लाख करोड़ का था, यानी कि 70,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज सीधा सरकार का था और 27,000 का जो कर्जा था वो विद्युत निगम का था, लेकिन उन्होंने वो अलग मान रखा था इसलिए उसको कम दिखा रहे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने उसमें निर्णय लिया कि इसको हम सीधा सीधा सरकार के अंडर लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ब्याज ज्यादा था। तो अगर उसको लगाए तो 1 लाख करोड़ का था और आज जो हमारे पास कर्ज है वो 2,43,000 करोड़ है, तो लेकिन हमारा बजट 3 गुना से भी ज्यादा है और कर्ज 3 गुना से कम है। तो ऐसे हमने कर्ज बढ़ाने का काम नहीं किया, ऐसे हमने सुधार के लिए भी बहुत से काम किए। जैसे अब प्राकृतिक खेती है, क्योंकि जमीन जो है वो धीरे धीरे उसकी उत्पादक क्षमता कम होती जा रही, तो हमने टारगेट किया कि 20,000 एकड़ जमीन जो है वो अपना प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे। धान की बिजाई के लिए भी हमने रखा कि 2 लाख एकड़ में हम सीधी सीधी बिजाई करेंगे, जिससे पानी की बचत होगी। इसी प्रकार हमने सूक्ष्म के लिए सिंचाई योजना में भी 2 लाख एकड़ का टारगेट रखा। पराली जो थी हम जिसपे 1 टन पे हम 1,000 रुपये देते थे, अब की बार उसके लिए हमने 1,500 रुपये प्रति टन देने का हमने निर्णय लिया। और भी इसी प्रकार से जल भराव है, हमारे यहाँ ये समस्या कम है, लेकिन अगर आप रोहतक जद्दर की साइड में जाओगे वहाँ किसान बहुत बुरी तरह उससे हाथ है। तो हमने टारगेट रखा कि 50,000 एकड़ ज़मीन अब की बार हम ठीक करके उसको ऐसी बनाएंगे कि जिससे किसान की उसमें आमदन बढ़ सके। इसी तरीके से 2 लाख बेरोजगार युवक हैं, उनको कौशल प्रशिक्षण देने के लिए हमने 250 करोड़ रुपये का इंतजाम रखा। इसी प्रकार से जो आप देखते हैं कि कुछ बेसहारा पशु बाहर घूमते रहे, कुछ कंप्लेंट भी उसकी काफ़ी है कि भाई वो नुकसान करते हैं, तो उसके लिए भी हमने पिछले के मुकाबले में 10 गुना बजट ज़्यादा दिया। जहाँ पहले हम 40 करोड़ रुपए दे रहे थे, अब की बार हमने 400 करोड़ रुपए की उसमें व्यवस्था की। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी ग्रामीण विकास के लिए हमने 70% बजट बढ़ा के दिया। लगभग आप मान सकोगे दुगुने से कुछ ही कम रह गया, इतना बजट बढ़ा के दिया, जिसमें हम गांव में पार्क वगैरह, स्ट्रीट लाइट वगैरह और दूसरे ई पुस्तकालय और दूसरे ऐसे इस प्रकार से काम करने वाले हैं। शहरों में भी हमने दिव्य नगर योजना दी, जिसमें शहर को सुंदर करने के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट सरकार ने रखा है। ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए भी हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है, 2 जगह पर हम उसके सेंटर हमने बनाए हैं जहाँ 200-200 लोगों के रहने का व्यवस्था होगी। और अगर कोई किसी को चोट भी लगती है, मान लीजिए खिलाड़ी को, उसके लिए भी चंदगीराम जी के नाम से हमने एक वो बनाया है, उसमें हम उसकी पूरी पूरी मदद करेंगे। ऐसे ही गुरुग्राम में हमने 700 बेड का एक मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है उसकी एक योजना बनाई, जहाँ बहुत अच्छी सुविधा इस प्रकार से। सड़कों के लिए भी 5,000 किलोमीटर सड़कों को दोबारा से ठीक करना और 554 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा और मजबूत करने की योजना हमने इस बजट में बनाई है। बिजली के लिए भी 800 मेगावाट क्षमता का एक थर्मल प्लांट जो हमारा यमुनानगर में है उसको बढ़ा रहे हैं, 800 मेगावाट उसमें बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है। तो ऐसे बहुत से जो जनहित के हैं। और इसी प्रकार से बसों के 1,000 बसें हम जो हमारी किलोमीटर स्कीम है उसमें चला रहे, तो उसमें साथ साथ हमने सुविधाओं का भी, और निश्चित तौर से इससे बहुत एक प्रगति मुझे लगता है कि निश्चित तौर से आने वाले टाइम में होगी। इसके साथ ही हमने आप लोगों का भी विशेष तौर से ध्यान रखा है, जो हमारे मीडियाकर्मी हैं उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का इसमें काम किया है। और इसके साथ ही जो हमारे कलाकार जो रागनी गाने वाले हैं या दूसरे सांग वाले हैं और अन्य गाते हैं, तो उसके लिए भी, क्योंकि बुजुर्ग होने के बाद उनकी भी स्थिति ठीक नहीं होती, तो उनकी पेंशन देने का भी हमने योजना बनाई है और उनको 10,000 पेंशन मासिक हम